हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलिया भट्ट मेकअप हुकअप सॉन्ग। एंड गाइस, मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश किया है ये मेकअप लुक क्रिएट करने का अंडर 100 रुपीज़ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले, जो मेरे चैनल पर नए हैं वहीं पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे प्रेस कर देना। वहीं पे छोटू सा बेल बटन है, जब आप उसे प्रेस करोगे तो ऑल लिख के आएगा, ऑल पे प्रेस करना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपके पास आ जाए। ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने रोज़ वाटर ले लिया है। हाँ, मैंने रोज़ वाटर को अपने पूरे फेस पे स्प्रे कर लिया ताकि मेरा फेस जो है वो हाइड्रेट रहे। फिर उसके बाद मैंने एलोवेरा जेल लिया है, इसे मैंने प्राइमर की जगह यूज़ किया है ताकि मेरा जो मेकअप है इस गर्मी के टाइम पे वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। फिर उसके बाद मैंने भी कोई भी फाउंडेशन नहीं लिया है, ओनली पॉन्ड्स की ये बीबी क्रीम लिया है। और ये बहुत अच्छी क्रीम है, सबके ही पास ये क्रीम होगी, बहुत अच्छी क्रीम है। और आप इसे अच्छे से ब्लेंड कर लें, हाथ अपने फिंगर से भी आप अच्छे से इसे ब्लेंड कर सकते हैं। बट कोशिश करना कि अच्छे से आप अपने पूरे फेस पे ब्लेंड करें, थोड़ा सा टाइम देना। फिर उसके बाद मैंने क्या किया है ना कि दोबारा से इसी बीबी क्रीम को अप्लाई किया है अंडर आई, जहाँ पे आपको थोड़े बहुत पिंपल्स के निशान हो या दाग हो या टैनिंग हो रखी हो, थोड़ा थोड़ा सा आपको रीअप्लाई कर लेना है ताकि आपका फेस बिल्कुल भी फुल कवरेज आपका दे। कि जब हम कोई फाउंडेशन लगाते हैं तो पूरा फुल कवरेज होता है ना, बिल्कुल इसी तरीके से डबल अप्लाई करोगे तो आपका फुल कवरेज आएगा। फिर लैक्मे का ये रोज़ लूज पाउडर मैंने यूज़ किया है, अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लो, बेक कर लो ताकि हमें स्वेटिंग जो हो वो ना हो और हमारा जो क्रीम मैंने अप्लाई किया है वो अच्छे से सेट हो जाए। फिर उसके बाद ये स्विस ब्यूटी की मैंने आई पेंसिल लिया है अपनी आईब्रो को फिल करने के लिए। तो अच्छे से आप अपने आईब्रो को फिल कर लो, क्योंकि आपके फेस पे एक ऐसी आईब्रो होता है जो हमें फिल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है। तो थोड़ी थोड़ी सी मैंने अपनी आईब्रो को फिल कर लिया है। फिर आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर हो या कोई भी स्पंज हो, उससे आप डैप डैप कर लीजिए ताकि एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो भी होगा वो उस पर लग जाएगा। फिर उसके बाद मेरे पास ये फैशन का ये है छोटू सा आई शेडो पैलेट, इसमें आराम से कलर आ जाते हैं। तो पहले मैंने थोड़ा सा लाइट ट्रांजिशन कलर लिया है, अपने आईलेट पे अप्लाई किया है। फिर इसके आई कॉर्नर पे मैं डार्क ब्राउन इसे मैं अप्लाई कर लूँगी अपने आई कॉर्नर पे, स्मोकी इफेक्ट थोड़ा सा देंगे, पूरा नहीं, हल्का सा बिल्कुल। फिर उसके बाद इसी पैलेट में मेरे पास शिमर का है, यही सिल्वर में, इसे हम मैटलिक बोलेंगे, थोड़ा सा सिल्वर मैटलिक हम बोल सकते हैं, वो मैं अप्लाई करूँगी ब्रश से। अच्छे से आप इसे ब्लेंड कर लो, ये ही है सिल्वर का मैटलिक, इसे हम अच्छे से अपनी ब्रश से पूरे अपने आईज़ पे हमने ब्लेंड कर लिया है। और उसके बाद बस लास्ट में हम मस्कारा लगा देंगे। अगर आपको आईलाइनर लगाने की ज़रूरत है तो ठीक है, देखिए आप आँखें कैसी ठीक से लग रही हैं। और कॉन्टोर हम कर लेंगे उसी पैलेट में, वैसे पेंसिल है मेरे पास कॉन्टोरिंग के लिए, बट उसी पैलेट में ब्राउन कलर था तो मैंने ब्राउन कलर से ही अपने फेस को कॉन्टोर कर लिया है, कटिंग दे दिया है अच्छे से। फिर ये ब्लू हेवन का छोटू सा मेरे पास ब्लश है, ये पूरा रेड नहीं बोलेंगे इसे, थोड़ा सा कोरल और रेड इसको हम बोल सकते हैं, मिक्स हम बोल सकते हैं, ऐसा है, अच्छा ब्लश है। और आप एक बार ही अप्लाई करोगे ना तो बिल्कुल अच्छा सा इसका कलर आ जाएगा। ये ब्लू हेवन का छोटू सा है। मैं इसके जितने भी प्रोडक्ट के प्राइस है ना वो मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक करना मत भूलना। ये ब्लू हेवन का मेरे पास सिमर डस्ट है, ये भी मुझे 40 रुपये का मिला था, बहुत ही अच्छा है, इसीलिए मैंने ये सेलिब्रिटी लुक जो है वो अंडर 100 रुपीज़ में करने की कोशिश किया है। इसी मेकअप में मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश किया है ताकि जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो आराम से इन प्रोडक्ट के साथ भी अच्छा सा एक लुक, सेलिब्रिटी लुक हम क्रिएट कर सकते हैं। फिर अपने हाईएस्ट पॉइंट पे इसी को ही हम हाईलाइट कर लेंगे। फिर ये हल्का सा पिंक कलर मैंने लिपस्टिक ली है, फैशन की है, ये भी हमारे अंडर 100 रुपीज़ के अंदर आ गई थी
और रेडी। ये है मेरा फाइनल लुक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये मेकअप लुक। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड और रिलेटिव्स को। तो मिलते हैं एक और अच्छे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।